तो आज हम बात करेंगे नेफ्रॉन के बारे में। हमने किडनी के बारे में बात कर दी थी अपने फर्स्ट पार्ट में, अब सेकंड पार्ट में बात करने जा रहे हैं हम नेफ्रॉन के बारे में। ठीक है, बात करते हैं नेफ्रॉन की। द कॉर्टेक्स एंड पिरामिड ऑफ किडनी कॉन्स्टिट्यूट टू द पैरेन्काइमा ऑफ द किडनी। क्या कह रहा है कि कॉर्टेक्स एंड पिरामिड्स ऑफ किडनी को, जो कॉर्टेक्स है और पिरामिड है किडनी में, हमने पढ़े थे 10 पिरामिड्स, और जिसका आउटर पार्ट था कॉर्टेक्स एंड इनर पार्ट था मेडुला। ठीक है, जिसमें उसमें वो पाए जा रहे थे पिरामिड्स, पाए जा रहे थे। ठीक है, कॉर्टेक्स पार्ट में और मेडुला पार्ट में। और कॉर्टेक्स एंड पिरामिड ऑफ द किडनी कॉन्स्टिट्यूट टू द पैरेन्काइमा, तो ये दोनों मिलकर किडनी का किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, पैरेन्काइमा ऑफ द किडनी का। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन आर प्रजेंट। फर्स्ट बात करें कॉर्टिकल नेफ्रॉन और सेकंड जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। फर्स्ट कॉर्टिकल नेफ्रॉन है वो 80 से 85% मिलकर बनाता है नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट, एंड सेकंड पार्ट 15 से 20% जो नेफ्रॉन बनाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, ईच किडनी कंटेन 1 मिलियन नेफ्रॉन विच आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। प्रत्येक किडनी क्या है, 1 मिलियन नेफ्रॉन्स बनाती है, जो कि क्या हमारी किडनी की फंक्शनल यूनिट है। ओके, ए स्मॉल नंबर ऑफ कलेक्टिंग ट्यूबुल आर आल्सो प्रेजेंट इन विच द नेफ्रॉन ओपन्स। स्मॉल नंबर ऑफ कलेक्टिंग ट्यूबुल्स, और बहुत सारी छोटी छोटी कलेक्टिंग ट्यूबुल्स पाई जाती है नेफ्रॉन के अंदर। ए नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ ए ट्यूबुल विच इज क्लोज एट वन एंड एंड द अदर एंड इज ओपन्स इन कलेक्टिंग ट्यूबुल। क्या कह रहे हैं कि एक नेफ्रॉन है वो कंसिस्ट ऑफ ट्यूबुल, जो कि ट्यूबुल से बना होता है, विच इज क्लोज एट वन एंड, जिसका एक पार्ट क्लोज होता है, एंड अदर एंड इज ओपन इन कलेक्टिंग ट्यूबुल्स, और अदर पार्ट है वो कि कलेक्टिंग ट्यूबुल्स में ओपन होता है। द क्लोज एंड फॉर्म द कप शेप ग्लोमेरुलर कैप्सूल नॉन एज बोमन कैप्सूल। जो इस नेफ्रॉन का भाग है वो एक तरफ से क्लोज है और फॉर्म करके क्या बना रहा है, कप शेप बना रहा है। ठीक है, कप शेप बना रहा है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, बोमेन कैप्सूल। नेक्स्ट बात करते हैं हम बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली एनक्लोजेज ए नेटवर्क ऑफ आर्टरियल कैपिलरीज नॉन एज ग्लोमेरुलस। अब बोमेन कैप्सूल है वो ऑलमोस्टली कंप्लीटली एनक्लोज ए नेटवर्क ऑफ आर्टरियल कैपिलरीज, जो हमारा ब्लड लेके आ रही थी आर्टरीज कैपिलरीज। ठीक है, उसको हमने क्या बोल दिया, जो कैपिलरीज का गुच्छा है, जाल ट्रेड्स है, उसी को हम ग्लोमेरुलस बोल रहे हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं डायग्राम में देख लेते हैं एक बार इसके बारे में। हाँ, ये रहा हमारा जो बोमेन कैप्सूल है वो हो गया, और ये ग्लोमेरुलस, इसमें ये कैपिलरीज आ गई, इसमें पोडोसाइट सेल्स आ गई, इसमें जो कैपिलरी के जाल ट्रेड्स है, इसी को हमने क्या बोल दिया, ग्लोमेरुलस। ओके, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। नेफ्रॉन है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड कर रहे हैं, फर्स्ट पीसीटी, सेकंड लूप ऑफ हेनले, थर्ड डीसीटी। पीसीटी की बात करते हो प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल, लूप ऑफ हेनले हो गया, इसको हम मेडुलरी लूप भी बोलते हैं, और थर्ड है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल, जिसको हम डीसीटी भी बोलते हैं। द कलेक्टिंग डक्ट यूनाइट्स टू फॉर्म लार्जर डक्ट्स, दिस डक्ट ओपन इन द माइनर कैलिस। अब क्या करें कि जो ये डक्ट्स हैं पीटीसी डीसीटी लूप ऑफ हेनले, ये ओपन हो रही है किसमें, माइनर कैलिक्स में। माइनर कैलिक्स जो
ट्रामिट्स के बाद में जो यूरिन फिल्टर होके आ रहा है डक्ट के बाद में, वो किस में आ रहा है? माइनर कैलिक्स में, उसके बाद में मेजर कैलिक्स, उसके बाद में रीनल पेल्विस। यूरिनरी पेल्विस से यूरेटर आ गया जो कि यूरिन को कहाँ पे लेके जा रहा है? यूरिनरी ब्लाडर में। और ब्लाडर में क्या होता है? यूरिनरी का कलेक्शन होता है। इसके बाद में क्या होता है कि यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के थ्रू उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी। अब इसके बाद में इन द कॉर्टेक्स एंड अफरेंट आर्ट्रियोल फ्रॉम द रीनल आर्टरी एंटर इन ईच ग्लोमेरुलर कैप्सूल टू फॉर्म ए कैपिलरी नेटवर्क। हमने बात कर दी थी जो अफरेंट आर्टरियल जो ब्लड लेके आ रही है फिल्टर के लिए, वो रीनल आर्टरी के थ्रू एंटर किस में हो रही है? ग्लोमेरुलस में, और फॉर्म्स करिए कैपिलरी नेटवर्क का, कैपिलरी ट्रेस का, जिसको हम क्या बोल रहे थे? ग्लोमेरुलर। ठीक है, बिटवीन द कैपिलरी नेटवर्क देयर आर फैगोसाइटिक सेल एंड दे आर सेपरेट फ्रॉम एंडोथीलियम सेल। अब इसमें क्या होती है? कैपिलरी जो नेटवर्क है उसके बीच में फैगोसाइटिक सेल और फैगोसाइटिक सेल पाई जाती है जो क्या करती है, जो कि सेपरेट करने का काम करते हैं किससे? एंडोथीलियम सेल से। नेक्स्ट, द इफरेंट आर्टरियोल कम्स आउट फ्रॉम द ग्लोमेरुलस एंड ब्रेक अप इनटू सेकेंड कैपिलरी नेटवर्क नोन एज पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। जो अफरेंट आर्टरियोल के बाद में जो कैपिलरीज नेटवर्क में से जो ब्लड फिल्टर होके आ रहा है किसके थ्रू? इफरेंट आर्टरियोल के थ्रू, वो ब्रेक अप इनटू ए सेकेंड कैपिलरी जो कि एक सेकेंड कैपिलरीज में कन्वर्ट हो रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। इट सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, जो कि क्या कर रहा है? जो कि सप्लाई कर रहा है किसकी? ऑक्सीजन की एंड न्यूट्रिशन की, किसको? रिमेनिंग पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में। अब आगे, द अफरेंट आर्टरियोल बिफोर एंटरिंग द बोमन कैप्सूल कंटेन सम स्पेशलाइज सेल्स नॉन एज एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल। क्या है कि अपरेंट आर्टरियोल है वो एंटर से पहले बोमन कैप्सूल में क्या बना रहा है? स्पेशल सेल्स बना रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल। अब ये क्या करती है? ये क्या करती है? दे सीक्रेट एंजाइम नॉन एज रेनिन वेन एवर द रीनल ब्लड फ्लो बिकम लो। ये क्या करती है कि रेनिन एंजाइम का सीक्रेशन करती है, जिस जो कि किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? ब्लड फ्लो के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम रास मैकेनिज्म की, जिसको हम रेनिन एंजियोटेंशन मैकेनिज्म भी बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में, रेनिन की मैकेनिज्म के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे, जैसे ही रीनल फ्लो डिक्रीज हुआ तो हमारी जो जक्स्ट्रा मेडुलरी सेल है, रीनल फ्लो डिक्रीज हुआ तो हमारी जक्स्ट्रा मेडुलरी सेल है उसने क्या सीक्रेट कर दिया? रेनिन, जो कि किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? ब्लड फ्लो के लिए, यदि डिक्रीज ब्लड फ्लो। तो जैसे ही क्या हुआ तो एंजियोटेंसिनोजन इसने क्या किया, जो कि लीवर की सेल है उसने प्रोड्यूस किया और इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। अब ये क्या हुआ? एंजियोटेंसिन फर्स्ट सेकेंड में कन्वर्ट होया किससे? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम से, जो कि कहाँ से? लंग से। अब इसके बाद में ये कन्वर्ट हुआ एंजियोटेंसिन सेकेंड में, तो ये दो जगह काम करता है। फर्स्ट काम करता है ये एड्रेनल कॉर्टेक्स पे और सेकेंड काम करता है ये पोस्टेरी पिट्यूटरी ग्लैंड पे। ठीक है, अब एड्रेनल कॉर्टेक्स पे क्या करेगा? ये एल्डोस्टेरोन को रिलीज करेगा। तो ये क्या करेगा? जो ये हमारे ट्यूबुल्स है उनमें वाटर एंड सोडियम का रिएब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। रिएब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा तो प्लाज्मा वॉल्यूम भी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी,
तो इंक्रीज हो जाने से ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगी, जिससे क्या होगा, रीनल का ब्लड फ्लो भी इंक्रीज हो जाएगा। अब बात करते हैं पोस्टीरियर लोब की, पोस्टीरियर की, इसमें क्या होता है कि ADH हार्मोन, जिसे हम वैसे प्रोसिन हार्मोन भी कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये क्या करता है, वाटर का रिएब्जॉर्प्शन कर देता है नेफ्रॉन से ट्यूबुल के अंदर, जिसके कारण क्या होता है, जो हमारी प्लाज्मा वॉल्यूम है, ब्लड वॉल्यूम, वो प्लाज्मा की वॉल्यूम है वो इंक्रीज होती है, जिससे हमारी ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज होती है, और इसी की वजह से हमारा जो रीनल का ब्लड फ्लो है ये भी इंक्रीज हो जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके स्ट्रक्चर की, कि कैसे ब्लड फिल्टर करता है और यूरिन का फॉर्मेशन होता है, बात कर लेते हैं। ये डायग्राम्स हो गए, हमने पिरामिड्स पढ़ लिए, बात करते हैं एक बार इसके बारे में, नेफ्रॉन के बारे में, इसके डायग्राम बात कर लेते हैं एक बार इसके डायग्राम के बारे में, नेफ्रॉन में। जैसे ही हमारी अफरेंट आर्ट्रियोल, जो कि हमारे डिओक्सीजनेट ब्लड लेके आ रही है फिल्टर के लिए, तो जैसे ही उसने ग्लोमेरुलर बोमेन कैप्सूल में एंटर किया, तो यहाँ से जो भी हमारा वो है WBC RBC प्लेटलेट प्रोटीन्स, ये सब क्या होता है, फिल्टर हो जाते हैं और वापस ही ब्लड में चले जाते हैं। इसके बाद में जो वाटर है वो PCT में पहुंचता है। इसके बाद में क्या होता है, जैसे ही ये यहीं पर गया, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन PCT में हो जाता है, जो भी हमारे सोडियम पोटेशियम क्लोराइड्स वाटर आदि का यहीं से ही एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जिसमें जो भी कोलमिनर एपिथेलियम सेल्स पाई जाती है, सिंपल कुबिडल, ठीक है। और इसके बाद में ये पहुँचता है हमारे लूप ऑफ हैनले में, तो लूप ऑफ हैनले में क्या होता है कि वाटर का रिएब्जॉर्प्शन होता है इसमें ज़्यादातर, और बाइकार्बोनेट का भी। और फिर उसके बाद में DCT में, अब DCT में क्या होता है, जो भी बचा कुछ है सोडियम पोटेशियम जो भी है उनका भी यहाँ से रिएब्जॉर्प्शन हो जाता है, और साथ साथ मैग्नीशियम और कैल्शियम का भी हो जाता है, जो भी हमारे हार्मोन काम कर रहे हैं, एल्डोस्टेरोन एंड एंटी डायबिटिक हार्मोन। इसके बाद में जो भी कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू बाहर निकल जाता है बॉडी थ्रू। तो अब हम बात करते हैं यूरिन के फॉर्मेशन के बारे में स्टेप बाय स्टेप। द किडनी फॉर्म द यूरिन, किडनी क्या करती है, यूरिन का फॉर्मेशन करने का काम करती है। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इज अकर इन 3 phases। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, जो हम यूरिन का फॉर्मेशन करें वो हमें 3 phases में कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट बात करें तो सिंपल फिल्ट्रेशन, सेकंड सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, और थर्ड सिक्रेशन एंड एक्रेशन। अब फर्स्ट बात करेंगे सिंपल फिल्ट्रेशन के बारे में। सिंपल फिल्ट्रेशन के बारे में बात करें तो द फिल्ट्रेशन टेक प्लेस थ्रू सेमी परमिएबल वॉल ऑफ द ग्लोमेरुलस एंड ग्लोमेरुलर कैप्सूल। जो हमारे ग्लोमेरुलस की वॉल है, हमने पढ़ी थी, जिसमें पोडोसाइट सेल्स पाई जाती है, जो कि एंडोथेलियम से सेपरेट करने से काम करती है, ये क्या करती है, फिल्ट्रेशन टेक प्लेस कहाँ पे होता है, हमारा ग्लोमेरुलस में। बात करी थी कि जो भी अपरेंट आर्टेरियल आ रही थी तो वो कहाँ पे आकर इंसर्ट हो रही थी, ग्लोमेरुलस में, और वहाँ पे क्या बना रही थी, कैपिलरी नेटवर्क। वाटर एंड लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मोलिक्यूल पासेज थ्रू दिस, बट लार्जर मोलिक्यूल लाइक ब्लड सेल्स प्लाज्मा प्रोटीन एक्ट अनेबल टू फिल्टर एंड रिमेन इन द कैपिलरीज। हमने बात कर ली थी जो भी वाटर और स्मॉल मोलिक्यूल है वो पास हो जाते हैं इसके थ्रू, और जो लार्ज मोलिक्यूल है जिसमें हमारे WBC प्लेटलेट्स ब्लड प्लाज्मा है ना, जो भी प्रोटीन्स है वो फिल्टर नहीं होती, वो कैपिलरीज के थ्रू वापस बॉडी में चले जाती है। अब नेक्स्ट बात करेंगे, द फिल्ट्रेशन इज असिस्टेड बाई अ डिफरेंट
between the blood pressure in glomerulus and pressure of filter in the glomerular capsule. The filtration is assisted by difference between blood pressure in glomerulus and pressure of filtrate in glomerular capsule because the diameter of afferent arteriole is greater than efferent arteriole. जो ब्लड फिल्टर हो रहा है जिसमें प्रेशर काम कर रहे हैं ग्लोमेरुलस में वो किसकी वजह से काम कर रहे हैं, क्योंकि जो अफरेंट आर्टरीओल है उसका डायामीटर ज़्यादा है देन किसकी बजाय एफरेंट आर्टरीओल की बजाय, जिसके कारण जो भी स्मॉल मॉलिक्यूल थे वो इजीली पास हो रहे थे यूरिन में जहाँ से ट्यूबल्स में उनका रिब्जॉर्प्शन हो रहा था, और जबकि जो भी लार्ज मॉलिक्यूल थे उनमें वो कैपिलरीज में रह गए थे. अब इसमें जो यूरिन फिल्टर हो रहा है उसमें प्रेशर्स लग रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं. फर्स्ट द कैपिलरीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अबाउट 55 mg बिल्ड अप इन ग्लोमेरुलस. दिस प्रेशर अपोजिट बाय ऑस्मेटिक प्रेशर. अब ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है कैपिलरीज में क्या कर रहा है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर है उसके अगेंस्ट काम कर रहा है. कैसे, जो हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन है उसके अपोजिट काम कर रहा है. ये क्या करता है कि जो भी हमारा ब्लड है उसको फिल्टर होने में हेल्प कर रहा है ऑफ ब्लड, जो कितना होता है 55 mg होता है ब्लड विच इज अबाउट 30 mm ऑफ Hg. ऑस्मेटिक प्रेशर होता है हमारा 30 mm ऑफ Hg. इट इज अबाउट अपोर्ट बाय फिल्टर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जो कि इट इज अबाउट बाय फिल्टर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर विच इज अबाउट 15 mm ऑफ Hg इन द ग्लोमेरुलर कैप्सूल. और इसके अपोजिट में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर काम कर रहा है वो कितना होता है 15 mm ऑफ Hg फिल्टर होने के बाद में. ठीक है, अब हम बात कर रहे थे नेट फिल्टर प्रेशर की. 55 mm हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हो गया, ठीक है, जो कि ग्लोमेरुलस में होता है. और इसके अपोजिट साइड में काम कर रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर, वो कितना है 30 mm Hg जो फिल्टर होने के बाद में, जो फिल्टर हो रहा है कैपिलरी से उसके बाद में जो प्रेशर लग रहा है उसको हम कितने 15 mm ऑफ Hg. अब बात करते हैं नेट फिल्टर रेट आएगा हमारे 10 mm ऑफ Hg. द वॉल्यूम ऑफ फिल्टर फॉर्म्ड बाय बोथ किडनी ईच मिनट इज कॉल्ड GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. जो हमारी किडनी है वो प्रत्येक मिनट में जो ब्लड को फिल्टर कर रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो कि कितनी है 125 mL पर मिनट. इट इज़ अबाउट 125 mL पर मिनट इन हेल्थी पर्सन अडल्ट. इट मींस किडनी फिल्टर्स ऑलमोस्ट 180 लीटर फिल्टर इन ईच डे. क्या करती है कि किडनी एक दिन में 180 लीटर ब्लड फिल्टर कर देती है. हालांकि मोस्ट ऑफ फिल्टर इज रीअब्सॉर्ब, जो कि हमारा जो फिल्ट्रेशन हो रहा है वो मोस्टली क्या होता है 99% रीअब्सॉर्ब हो जाता है एंड लेस देन 1% इज एस्क्रिएट आउट ए फॉर्म ऑफ यूरिन. हमने बात कर ली जो कि मैक्सिमम जो फिल्टर है वो 99% रीअब्सॉर्ब हो जाता है हमारी जो ट्यूबुल्स है इनके थ्रू, और 1% है जिसको हमारी बॉडी के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है. द डिफरेंस इन वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन इज ड्यू टू सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन. अब ये किस पे देखने को मिलती है कंसंट्रेशन, जो हमारी ट्यूबुल्स है उनमें जो रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है जिसमें हार्मोन्स काम कर रहे हैं उनकी वजह से हमें देखने को मिलता है. अब बात करते हैं इसमें दो हार्मोन होते हैं जो GFR को रेगुलेट करते हैं.
टू हार्मोन्स रेगुलेट द GFR, फर्स्ट एंजियोटेंसिन, सेकंड आरटीएल न्यूट्रीयूरेटिक पेप्टाइड। एंजियोटेंसिन की हमने बात करी थी जो कि मेनली दो हार्मोन्स पे काम कर रहा था, ADH जिसको हम वैसोप्रेसिन भी बोल रहे थे, और एक एल्डोस्टेरोन। दोनों क्या कर रहे थे, जो भी हमारी यूरिन है वो उसमें को आउटपुट को बढ़ा रहे थे और ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा रहे थे, दोनों इंक्रीज करने का काम करते थे, सोडियम पोटेशियम जो भी है उनका रिएब्जॉर्प्शन बढ़ाने का काम कर रहे थे। अब बात करते हैं इसके बारे में, एंजियोटेंसिन सेकेंड, इट स्टिमुलेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू सीक्रेट एल्डोस्टेरोन एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड टू सीक्रेट ADH। हमने बात कर ली जो एंजियोटेंसिन सेकेंड है वो एक तो एड्रिनल कॉर्टेक्स पे काम कर रहा है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे कर रहा है, जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से सीक्रेट कर रहा है एल्डोस्टेरोन और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट कर रहा है ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कि दोनों किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, वाटर का रिएब्जॉर्प्शन करने के लिए, सोडियम वाटर जो भी है ट्यूबल्स में उनका रिएब्जॉर्प्शन वो बढ़ाते हैं, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सेकंड पे बात करते हैं हम एट्रियल नाइट्रियोटिक पेप्टाइड, ये क्या करता है, इट इज़ सीक्रेटेड बाय सेल्स ऑफ एट्रियम ऑफ द हार्ट, जो हार्ट के चैम्बर्स है, फोर्थ चैम्बर सोचा है जिसमें अपर एट्रियम एंड लोअर वेंट्रिकल्स, जो क्या करते हैं ये वहीं से सीक्रेट होता है। इट प्रमोट एक्सक्रीशन ऑफ वाटर एंड सोडियम, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, वाटर एंड सोडियम के एक्सक्रीशन के लिए। अब इसके रेगुलेशन के बारे में बात करते हैं, फिल्ट्रेशन का रेगुलेशन, द रीनल ब्लड फ्लो इज प्रोटेक्टेड बाय ए मैकेनिज्म नोन एज ऑटो रेगुलेशन। क्या रीनल ब्लड फ्लो है इसको प्रोटेक्ट करने की मैकेनिज्म है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑटो रेगुलेशन। रीनल ब्लड फ्लो इज मेंटेन बाय सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमने पढ़ा होगा कि BP जिसमें 120 से 80 mmHg, जिसमें हमारा ब्लड फ्लो है वो मेंटेन कौन कर रहा है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो कि कितना होता है 100 से 200 mmHg। द ऑटो रेगुलेशन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, ऑटो रेगुलेशन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली होता है, एक दूसरे पर डिपेंड होता है। इट मीन्स इफ नर्व सप्लाई टू द रीनल ब्लड वेसल्स इज इंटरप्टेड देन द ऑटो रेगुलेशन इज कंटिन्यू टू ऑपरेट। इट मे स्टिमुलेट बाई चेंजेज इन द ब्लड प्रेशर इन रीनल आर्टरीज। अब क्या कहता है, इट मीन्स इफ नर्व सप्लाई टू द रीनल ब्लड वेसल्स इज इंटरप्टेड, यदि हमारी जो रीनल ब्लड वेसल्स है उनको अगर नर्व सप्लाई नहीं जाएगी तो देन द ऑटो रेगुलेशन इज कंटिन्यू टू ऑपरेट। तो क्या होगा कि हमारे जो रेगुलेशन है वो कंटिन्यू रहेगा। अब ये क्या करता है, इट मे बी स्टिमुलेट बाय चेंजेज इन ब्लड प्रेशर। अब ये करता है कि जो चेंजेज ला देता है किसमें, ब्लड प्रेशर में, इसको स्टिमुलेट कर जाता है इन किसमें, रीनल्स आर्टरीज में, इन सीवियर शॉक व्हेन सिस्टोलिक प्रेशर फॉल्स बिलो 80 mmHg देन ऑटो रेगुलेशन फेल्स। हमने बात कर दिया कि नर्व सप्लाई नहीं जाएगी तो हमारा ब्लड का फ्लो है वो इंक्रीज हो जाएगा, उसके कारण क्या होगा, ऑटो रेगुलेशन हो जाएगा जिससे क्या होगा कि इन सीवियर शॉक, जिसको हमें तीव्र शॉक लगेगा, जिसके कारण क्या होगा हमारी जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो फॉल डाउन हो जाएगा, किससे, 80 mmHg से, देन ऑटो रेगुलेशन फेल, तो ऑटो रेगुलेशन भी फेल हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड हम सेलेक्टिव री एब्जॉर्प्शन, जिसमें हमारे जो भी मॉलिक्यूल्स है उनका रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है ट्यूबल्स के अंदर, उसको बारे में पढ़ते हैं। इट इज प्रोसेस बाय विच
कंपोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्टर्स आर अल्टर्ड ड्यूरिंग इट पासेज थ्रू द कॉन्टेक्ट ट्यूब्यूल एंड लूप ऑफ हेनले। क्या कह रहे हैं कि इट इज़ द प्रोसेस, इसमें क्या होता है कि जो हमारे कंपोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्टर है वो अल्टर्ड हो जाती है, उसमें परिवर्तन हो जाता है ड्यूरिंग इट्स पासेज थ्रू द कॉन्टेक्ट ट्यूब्यूल्स एंड लूप ऑफ हेनले। हमने बात करी थी ग्लोमेरुलेशन के बाद में जो फिल्टर होने के बाद में जो जा रहा है कॉन्टेक्ट ट्यूब में एंड लूप ऑफ हेनले में, तो इसमें क्या होता है कि परिवर्तन हो जाता है, वही हमने बात करते परिवर्तन हो जाता है, इसका रिब्रेशन स्टार्ट हो जाता है। द जनरल प्रेस पर्पज ऑफ दिस प्रोसेस इज टू रीअब्जॉर्ब ब्लड इन ब्लड दोज फिल्टर कंटेंट्स नीड बाय द बॉडी टू मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड पीएच ऑफ ब्लड। क्या करता है ये, इसका मेनली इसका पर्पज क्या है सेलेक्टिव रिब्जॉर्प्शन का, कि यही है कि जो हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस फ्लूइड बैलेंस एंड जो हमारी बॉडी का पीएच है उसको मेंटेन करता है, किसके किसके कारण जो भी सोडियम पोटेशियम आयंस है बाइकार्बोनेट्स उनका रीअब्जॉर्प्शन करके। अब नेक्स्ट बात करते हैं, सम कंटेंट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन लाइक ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन हो गया, ठीक है, डू नॉट नॉर्मली अपीयर इन यूरिन बिकॉज दे आर कम्प्लीटली रीअब्जॉर्ब अनलेस दे आर प्रजेंट इन एक्सेसिव क्वान्टिटी। क्या कह रहा है कि जो ग्लूकोज और प्रोटीन है वो हमारे यूरिन है उसमें हमें ईजिली अपीयर नहीं होते, दिखाई नहीं देते, क्यों, क्योंकि ये कम्प्लीटली क्या होते हैं कि रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। दे आर प्रजेंट इन एक्सेसिव क्वान्टिटी क्योंकि ये हमारी बॉडी में एक्सेसिव क्वान्टिटी में प्रजेंट होते हैं, जो कि हमने बात करी थी वो पास हमारी कैपिलरी हैं उसमें ही जाते हैं, वो पास नहीं होते क्योंकि वो लार्ज मॉलिक्यूल हैं, इसलिए डायरेक्टली ब्लड में चले जाते हैं। द किडनी मैक्सिमम कैपेसिटी फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड रीनल थ्रेशोल्ड और ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। मैक्सिमम जो किडनी हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी और रिजेक्शन की रिजेक्शन ऑफ सब्सटेंस की, इसको हम क्या बोल रहे हैं, रीनल थ्रेशोल्ड और ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम। फॉर एग्जांपल के बारे में बात करते हैं, यदि हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल है 70 to 110 mg, इफ लेवल रीचेज अबाउट 160 mg और मोर देन ग्लूकोज अपियर इन यूरिन बिकॉज ट्यूबुल आर ओवरलोडेड। तो एग्जांपल बात करें हमने, यदि हमारे ब्लड का ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल है और यदि इससे बढ़ जाता है 160 mg हो जाता है तो हमें ये देखने को मिलेगा किसमें, यूरिन में, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लाइकोसूरिया भी बोलते हैं। यदि हमारी ट्यूबुल ओवरलोडेड हो जाती है तो हमें यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी हुई मिलती है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लाइकोसूरिया। द सब्सटेंसेज यूजफुल फॉर बॉडी लाइक वाटर ग्लूकोज अमीनो एसिड सोडियम एक्ट। हमने बात कर ली थी जो भी हमारी यूजफुल सब्सटेंस है उनका बॉडी में क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, आर रीअब्जॉर्ब बाय ट्यूबुल सेल एंड पासेज बैक इनटू ब्लड सर्कुलेशन थ्रू कैपिलरी नेटवर्क। हमने बात कर दी इनकी बॉडी में क्या होती है कि रिक्वायरमेंट होती है, जिसके कारण होता है कि ये इनका रिअब्जॉर्प्शन हो जाता है और बैक फ्लो हो जाता है, किसमें, बैक इनटू ब्लड सर्कुलेशन में, और दोबारा से ब्लड सर्कुलेशन में चले जाता है, किसके थ्रू, कैपिलरीज नेटवर्क के थ्रू। अब नेक्स्ट बात करते हैं, सम सब्सटेंसेस आर रीअब्जॉर्ब कम्प्लीटली एंड सब्सटेंसेस आर पार्शियली। क्या होता है कि कुछ सब्सटेंसेस क्या होते हैं, कम्प्लीटली रीअब्जॉर्ब जाते हैं, जैसे हमने बात की ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन्स है ना, और कुछ क्या होते हैं, पार्शियली होते हैं। द पीसीटी रीअब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ सब्सटेंसेस, हमने बात की थी पीसीटी 65% के करीब रीअब्जॉर्प्शन करने का काम करती है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हमको देखने को यही मिलता है। द वेस्ट मटेरियल लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन एंड अनवांटेड सब्सटेंसेस लाइक ड्रग्स हो गई आर एस्केड आउट एज फॉर्म ऑफ यूरिन।
अब बात करते हैं, जो भी हमारे बॉडी का वेस्ट मटेरियल है जो कि यूरिन के फॉर्मेशन के बाद में, फिल्ट्रेशन के बाद में जो बच रहा है, जैसे कि यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया और क्रिएटिनिन हो गया एंड अनवांटेड सब्सटेंसेस जैसे ड्रग्स हो गया। हमने कोई ड्रग्स लिया, उसका मेटाबॉलिज्म के बाद में जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम कर रही है कौन? किडनी। उसको हम क्या बोल रहे हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट। किसकी और हम किसके थ्रू निकाले उसको? यूरिन के थ्रू। द ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम ऑफ सब्सटेंसेज वेरी अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड फॉर देम एट ए टाइम। द ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम ऑफ सब्सटेंसेज, मैक्सिमम जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है मैक्सिमम सब्सटेंसेज का, वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड्स के और टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम रोल ऑफ हार्मोन रीअब्सॉर्प्शन। अब कौन कौन से हार्मोन हैं जो कि रीअब्सॉर्प्शन में काम आ रहे हैं? पैराथायरॉइड हार्मोन एंड थायरॉइड हार्मोन। फर्स्ट नंबर बात करते हैं हम इसके बारे में। द पैराथायरॉइड हार्मोन एंड कैल्सिट्रोलिन फ्रॉम थायरॉइड ग्लैंड टूगेदर रेगुलेट रीअब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड पोटेशियम। ये क्या करते हैं? ये थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है जो कि क्या काम करने का काम करते हैं? रीअब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड पोटेशियम, जो कि किसका काम करते हैं? कैल्शियम की और पोटेशियम की। हमने बात करी थी कैल्शियम का रीअब्सॉर्प्शन करने का काम कर रहे हैं और पोटेशियम का भी रीअब्सॉर्प्शन करने का काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं ADH के बारे में। इसके बारे में हमने खूब बढ़िया तरीके से बात करी थी, एंटी डायुरेटिक हार्मोन जिसे हम वैसोप्रेसिन बोलते हैं। इट इज सीक्रेटेड बाय पोस्टर पिट्यूटरी ग्लैंड, बात कर दी थी हमने कि पोस्टर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। इट इंक्रीज द वाटर रीअब्सॉर्प्शन इन रीनल ट्यूबल्स, जो कि क्या करता है? हमने बात करी थी हमारे जो रीनल ट्यूबल्स है उनमें वाटर का रीअब्सॉर्प्शन करने का काम करता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम एल्डोस्टेरोन, इसका भी मेन रोल है जो कि हमारी एड्रेनल कॉर्टेक्स है उससे सीक्रेट हो रहा है। ये क्या करता है? इट इंक्रीज द रीअब्सॉर्प्शन सोडियम एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम। ये क्या करता है कि सोडियम के रीअब्सॉर्प्शन को बढ़ा देता है और पोटेशियम के एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है। अब बात करते हैं साइट ऑफ रीअब्सॉर्प्शन कि सबसे ज़्यादा हमें कौन कौन सी साइट है वहाँ पे हमें रीअब्सॉर्प्शन देखने को मिलता है। मैंने जो फिल्टर हो रहा है वो 100% देखने को मिलता है हमें। सबसे ज़्यादा हमने बात करी थी कि 65% हमको PCT में देखने को मिलता है और लूप ऑफ हैनले में हमको 15% देखने को मिलता है और जबकि DCT है उसमें हमें 19% देखने को मिलता है। हमने बात कर दी थी कि 99% हमारा रीअब्सॉर्ब हो जाता है और 1% है वो यूरिन के थ्रू में जो बेस्ट है वो बाहर निकल जाता है। अब बात करते हैं कि पीसीटी है उसमें कौन कौन से आयंस हैं, कौन कौन से वो है मॉलिक्यूल्स जो रीअब्सॉर्ब होते हैं। हमने बात कर ली थी कि मैक्सिमम होता है 65%, इट रीअब्सॉर्ब ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए सोडियम पोटेशियम बाइकार्बोनेट HCO3 क्लोराइड फॉस्फेट यूरिक एसिड और वाटर। हमने बात कर ली ये क्या कर रहा है कि रीअब्सॉर्प्शन करने का काम करिए किस किस को? PCT में किस किस का रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है? ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का, सोडियम का, पोटेशियम का, बाइकार्बोनेट का, क्लोराइड का, फॉस्फेट का और यूरिक एसिड का। मैंने मैक्सिमम 65% रीअब्सॉर्प्शन हमको PCT में देखने को मिलता है। अब लूप ऑफ हैनले की बात करें तो इसमें सोडियम का, क्लोराइड का और वाटर का, इसमें 15% रीअब्सॉर्ब देखने को मिलता है। अब बात करें तो DCT की, DCT में हमें इट रीअब्सॉर्ब अबाउट 19% मेनली सोडियम बाइकार्बोनेट और वाटर। हमने बात कर ली ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं लास्ट सीक्रेशन एंड एक्सक्रेशन, जो भी हमारे ब्लड फिल्टर होने के बाद में जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है, जो भी यहाँ हमने ड्रग्स लिए उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए जो प्रोसेस हो रही है उसी को हम क्या बोल रहे हैं? सीक्रेशन बोल रहे हैं। जो किसके थ्रू बाहर निकल रहा है? हमारी जो कलेक्टिंग डक्ट है उसके बाद में बाहर निकल रहा है। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। द मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम ब्लड इनटू ट्यूबुलर फ्लूइड इज कॉल्ड सीक्रेशन। जो भी हमारा मटेरियल था, जो भी ब्लड इनटू ट्यूबुलर फ्लूइड, जो कि ब्लड के बाद में जो ट्यूबुलर
रिब्जेशन के बाद में जो हमारे ट्यूबल्स है उनमें जो फ्लूड है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, सीक्रेशन। इट फिल्ट्रेशन अकर एज ब्लड फ्लो थ्रू ग्लोमेरुलस। यदि फिल्ट्रेशन अकर एज ब्लड फ्लो थ्रू ग्लोमेरुलस, अगर हमारा जो ब्लड फ्लो हो रहा है ग्लोमेरुलस के थ्रू, द सब्सटेंसेज दैट आर नॉट रिक्वायर्ड एंड फॉरेन मटेरियल लाइक ड्रग मे नॉट बी क्लियर फॉर्म ऑफ ब्लड बाई फिल्ट्रेशन। क्या कह रहे हैं, सब्सटेंसेज दैट, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर, जिसकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे ड्रग्स हो गई जो कि एब्जॉर्ब मेटाबॉलिज्म होने के बाद में हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं होती, जिसको हमारी बॉडी से निकालना कंपलसरी होता है, नेसेसरी होता है, ठीक है। बिकॉज क्यों, ऑफ शॉर्ट टाइम दे रिमेन इन ग्लोमेरुलस सच एज सब्सटेंस आर क्लियर बाई सीक्रेशन एंड एस्केप आउट फॉर्म ऑफ यूरिन। क्योंकि शॉर्ट टाइम के लिए रहते हैं बॉडी में, और इसके बाद में इसको रिएब्जॉर्प्शन के बाद में, मेटाबॉलिज्म के बाद में यूरिन की फॉर्मेशन में, यूरिन के थ्रू इसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं यूरिन के बारे में कि यूरिन होता क्या है, इसमें क्या क्या होता है जो कि हमारी नेफ्रॉन्स में फिल्टर होने के बाद में जो बन रहा है, बात कर लेते हैं। यूरिन इज वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी, हमने बात कर ली। हमारे ब्लड के बाद में जो भी बच रहा है वेस्ट प्रोडक्ट, उसी को हम यूरिन बोलती है। इट इज़ फॉर्म बाय द किडनी, जो कि किसके द्वारा बनाया जा रहा है, किडनी के द्वारा। द यूरिन इज क्लियर पेल येलो कलर, यह हल्का सा पीला कलर का होता है, इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरोबिलिन। और इसमें जो पीला कलर है वो किसके कारण प्रेजेंट होता है, यूरोबिलिन कारण एज ए बाइल पिगमेंट। द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोडक्शन डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ फ्लूइड इनटेक, जो हमारी यूरिन की प्रोडक्शन है वो डिपेंड करता है किस पर, फ्लूइड इनटेक पर। हम कितना फ्लूइड इनटेक कर रहे हैं बॉडी में, उतना ही यूरिन का प्रोडक्शन होगा। अब कंपोजिशन की बात करें तो यूरिन में क्या क्या देखने को मिलता है हमें, कंपोजिशन की बात करें तो हमें वाटर देखने को मिलता है 96%, यूरिया 2%, अदर सब्सटेंसेज 2%। और अदर सब्सटेंसेज में बात करें तो कौन कौन से आ गए, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, अमोनिया, जेंथेनिन, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट एंड यूरिनरी पिगमेंटेट, ठीक है। जो भी हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट के बाद में जो बच रहा है वो अदर सब्सटेंसेज। और नॉर्मल करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हो इसमें, वॉल्यूम की बात करते हो, 1 से 1.5 लीटर पर डे नॉर्मल। ठीक है, कलर के बारे में बात करें तो अंबर पेल येलो कलर की बात करें, रिएक्शन एसिडिक होती है, पीएच 6 होती है, ठीक है। अगर 7.35 से कम होगा तो पीएच एसिडिक होगा, इसलिए इसका पीएच 6 है तो एसिडिक होगा। और बेरीज फॉर्म उसमें बात करते हैं तो 45 to 78%। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो इसकी ग्रेविटी होती है 1.05 to 1.028। ओडोर की बात करें तो इसमें हमें कौन सी गंध देखने को मिलती है, मिडली ओक्रोमेटिक, ओरोमेटिक। प्रोटीन इसमें शून्य होता है, ग्लूकोज भी शून्य होता है और ब्लड सेल्स भी शून्य होती है। बात कर लीजिए हमने, जो भी हमारे लार्ज मोलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं कि फिल्टर नहीं हो पाते बॉडी में, जो कि हमारे कैपिलरीज के थ्रू वापस ब्लड सर्कुलेशन में आ जाते हैं। अब बात करते हैं अब नॉर्मल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन, प्रोटीन यूरिया एल्बुमिन यूरिया। यदि क्या होता है हमारी बॉडी में, यदि कोई भी डेफिशिएंसी हो जाती है, यदि हमारे जो भी कैपिलरीज है उनकी परमिबिलिटी बढ़ जाती है, तो क्या होता है कि जो प्रोटीन है, स्पेशली बात करें तो इफ प्रोटीन स्पेशली एल्बुमिन इज प्रेजेंट इन द यूरिन देन इट इज़ नोन एज प्रोटीन यूरिया या एल्बिनो यूरिया। क्या होता है कि अगर इन परमिबिलिटी है वो इनकी जरूरत है कि जो हमारी प्रोटीन्स है मेनली एल्बुमिन, वो क्या होती है कि हमें यूरिन, हमारे ग्लोमेरुलस है उसके थ्रू पास हो जाती है और हमें यूरिन भी देखने को मिलती है, जिसको हम क्या बोलें, प्रोटीन यूरिया। नेक्स्ट बात करें ग्लाइकोसूरिया, इफ़ ग्लूकोज प्रजेंट विद द यूरिन
देन इट इज़ कॉल्ड ग्लाइकोसोमल। हमने बात कर ली थी यदि ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुआ बॉडी में और ग्लूकोज की मात्रा हमें यूरिन में देखने को मिली ज़्यादा, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लाइकोसूरिया। हेमेटोयूरिया की बात करें, यदि हमारी बॉडी में ब्लड में यूरिन में अगर ब्लड आ रहा है तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, हेमेटोयूरिया। इफ ब्लड इज प्रेजेंट इन द यूरिन देन इट इज कॉल्ड हेमेटोयूरिया। यदि हमारे यूरिन में हमें ब्लड देखने को मिल रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं, हेमेटोयूरिया। अब बात करते हैं पाई यूरिया। यदि हमारी यूरिन में पस देखने को मिलती है, मवाद देखने को मिलती है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, पाई यूरिया। इफ बाइल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन द यूरिन देन इट्स जॉन्डिस। क्या होता है, यदि हमारी यूरिन है उसमें हमें बाइल पिगमेंट देखने को मिल रहा है तो वो किसको शो करता है, जॉन्डिस को, पीलिया को शो करता है। इफ कास्टिस आर प्रेजेंट इन द यूरिन देन इट इज सो प्रीमैच्योर एंड रप्चर ऑफ लाइनिंग ऑफ रीनल ट्यूब्स। इफ माइक्रोब्स आर प्रेजेंट इन द यूरिन देन इट सो UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन। यदि हमारी यूरिन में माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं तो ये किसको शो करते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन को, जिसमें हमारे पेन भी होते हैं, बर्निंग सेंसेशन फील होता है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।